डिफेक्ट ऑफ इमेजेस के अंदर, किसी भी लेंस के अंदर, ये बात लेंस की हो रही है, किसी भी लेंस के अंदर कुछ डिफेक्ट होते हैं, उन डिफेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है, एनसीईआरटी में तो नहीं आ सकता, और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ लेंस कह सकते हो, डिफेक्ट ऑफ इमेजेस कह सकते हो, दो किस्म के डिफेक्ट हैं। पहला डिफेक्ट है क्रोमैटिक डिफेक्ट। क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर रिलेटेड, रंग से रिलेटेड डिफेक्ट जो है वो क्रोमैटिक है। और दूसरा मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक में रंग का चक्कर नहीं है क्योंकि उसमें सिंगल कलर है, लेकिन उसमें कुछ और डिफेक्ट है, और लेंस के डिफेक्ट को हम नाम देते हैं एबरेशंस। तो ये पेपर में PYQ में कहीं पर मिलेगा आपको एबरेशन वर्ड। तो अगर आपने नहीं पता तुम्हें कि ये डिफेक्ट, इसे डिफेक्ट बोलते हैं, तो डिफेक्ट का दूसरा नाम एबरेशन है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले क्रोमैटिक एबरेशन। अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा रेज को, तो ये रेज आई, ये कन्वर्ज हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लेंस को स्टडी करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी है लाइट की जिसको इसमें कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है लाइट की जो हमेशा एग्जिस्ट करती है, जिसको डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्शन का मतलब होता है लाइट का 7 रंगों में टूटना, इस डिस्पर्शन। जब एक लाइट प्रिज्म में या लेंस में या डेंसर मीडियम या ग्लास में एंटर करती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। हमने पूरा ऑप्टिक्स किया, हमने डिस्पर्शन का नाम तक नहीं लिया क्योंकि हमने उसको अवॉइड किया, लेकिन डिस्पर्शन तो होती है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो होता क्या है, वाइट लाइट 7 रंगों में टूट गई। अब 7 रंगों की वेवलेंथ डिफरेंट है, लैम्डा डिफरेंट है, लैम्डा डिफरेंट है तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो सबकी रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट है। कोई ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रहा है और कोई कम रिफ्रैक्ट हो रहा है, कोई ज़्यादा बेंड हो रहा है और कोई कम बेंड हो रहा है। जो ज़्यादा बेंड हो रहा है वो वॉयलेट कलर की लाइट है, जो सबसे कम बेंड हो रही है या दूर बेंड हो रही है वो रेड कलर की लाइट है, बाकी इसके बीच में विबग्योर के अंदर। मतलब 7 के 7 रंग एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाते, 7 जगह फोकस होते हैं तो लेंस की 7 फोकल लेंथ निकलती हैं, हर कलर की डिफरेंट फोकल लेंथ है। अभी तो प्रॉब्लम है, हमने तो एक ही फोकल लेंथ सुनी है, 7 फोकल लेंथ किस, मैं तो सुनी नहीं 7 फोकल लेंथ, तो इसलिए ये तो एक एरर है और ये कलर की वजह से एरर है, इसको क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं। तो अगर आप इस वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ कैलकुलेट करें, रेड की करें जो एक्सट्रीम फोकल लेंथ है, वॉयलेट की रेड की, और इन्हें माइनस करें, रेड की फोकल लेंथ में से वॉयलेट की फोकल लेंथ को माइनस करें, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, LCA। LCA का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन। तो दोनों के डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ को LCA बोलते हैं। LCA को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय FR माइनस FV को माइनस DF से, इसको डिफाइन किया जाता है, दिस इज माइनस DF। DF का मतलब चेंज इन फोकल लेंथ है, तो DF को डिफाइन किया जाता है वॉयलेट की फोकल लेंथ और रेड की फोकल लेंथ का डिफरेंस क्या होता है, DF। ये डेफिनेशन बनाई, क्यों बनाई अभी बनाता हूं, यहां तक संभाल के रखो इसे। लेंस मेकर लगा लो, लेंस मेकर लगा के अगर तुम इसे डिफ्रेंशिएट करो, करना नहीं है, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, तुम अगर इसे डिफ्रेंशिएट करो तो ये टर्म आएगी, और एफ स्क्वायर को पुट करो एफ इंटू एफ, वन बाय एफ को यहां पर पुट कर लेना म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, जो इसे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास ये टर्म आएगी। इसके अंदर ये जो टर्म आएगी सॉल्व करके, डी म्यू का मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन म्यू माइनस वन, ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। तो पहला फॉर्मूला जो तुमने याद करना है वो इसे बॉक्स में डालो, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ लेंस, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी म्यू बाय म्यू माइनस वन। डिस्पर्सिव पावर अगर किसी लेंस की ज़्यादा है तो 7 रंगों में उसको बहुत आसानी से तोड़ देगा, और अगर कम है तो नहीं तोड़ पाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा है तो डिस्पर्स करने की पावर ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? तो डिस्पर्सिव पावर पे अगर कोई, देखो NCERT में तो नहीं आएगा, और अगर वैसे कंपटीशन में डिस्पर्सिव पावर ओमेगा का कोई क्वेश्चन आ जाए, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। इसके अंदर आप पूछेंगे डी म्यू क्या चीज़ है, डी म्यू का मतलब है वॉयलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस को डी म्यू बोलते हैं। फिर आप कहोगे म्यू क्या चीज़ है, म्यू तो 7 कलर है इसमें, तो एवरेज ऑफ 7 कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एवरेज कलर वॉयलेट और रेड की येलो मानी जाती है, तो कभी कभी म्यू येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
नहीं तो एवरेज है, नहीं तो येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये फॉर्मूला है, एफ को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो माइनस डी एफ का ये फॉर्मूला है, तो एल सी ए का फॉर्मूला है एफ इंटू ओमेगा। तो एल सी ए का मतलब ये जो डिफेक्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ इंटू ओमेगा। अब एंड में वो एक लाइन बताता है, ऐसा दुनिया में कोई लेंस नहीं है जिसकी फोकल लेंथ ना हो, एफ तो नॉन जीरो है, ऐसा कोई लेंस या ग्लास नहीं है जिसकी डिस्पर्सिव पावर ना हो, सात रंगों में तो स्प्लिट करेगा ही करेगा, तो ना एफ जीरो है ना ओमेगा जीरो है, तो फिर एल सी ए भी नॉन जीरो है। एल सी ए होने का मतलब लेंस में डिफेक्ट है ही है, एल सी ए होने का मतलब लेंस डिफेक्टिव है। तो एंड में एक लाइन उसने बोल दी, दुनिया में कोई ऐसा लेंस बना ही नहीं जो जो कि नॉन डिफेक्टिव हो, उसमें कुछ ना कुछ कलर का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो फिर इसका मतलब हम आंखों में ये जो लेंस लगा के हुए डिफेक्टिव लेंस है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ना डिफेक्टिव नहीं है। हम क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को दूर करते हैं, दूर करने की कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमैटिज्म। क्वेश्चन दिखेगा आपको कॉम्पिटिशन में, बहुत रेयर है, 200 में से एक क्वेश्चन दिखेगा बस, इतना रेयर है, मतलब रूटीन में आने वाला प्रॉब्लम नहीं है, पर मेडिकल के अंदर आप लगा सकते हो कि ये वर्ड्स मैंने पढ़े हुए हैं, एक्रोमैटिज्म, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकल में एक्रोमैटिज्म मैंने पढ़ी हुई है, मतलब ये चीज़ें रेयर हैं लेकिन आ सकती हैं। तो एक्रोमैटिज्म के अंदर वो कहते हैं कि आप जब एक लेंस लेते हो, अकेला एक लेंस तो पक्का डिफेक्टिव निकलेगा ही निकलेगा, आप एक लेंस ना लें, आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लें, आप एक के साथ एक और लेंस ले लें। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या है, एफ, तो कॉम्बिनेशन लेने से कुछ डिफेक्ट कम हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन इसके इक्वल है। आप एक काम करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करके आप क्या चाहते हैं, डी एफ क्या हो जाए, जीरो। डी एफ जीरो का मतलब वॉयलेट और रेड में कोई फोकल लेंथ का कोई डिफरेंस ना हो, तो डी एफ क्या चाहते हैं, कॉम्बिनेशन का जीरो। जीरो का मतलब ये टर्म इक्वल टू जीरो, और ये डी एफ का मतलब ऊपर क्या आया था, एफ इंटू ओमेगा, यहाँ पर पुट कर दें एफ इंटू ओमेगा, एफ इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला नोट करें, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, लिखे कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म, ये रहा एक्रोमैटिज्म का मतलब कोई डिफेक्ट ना होना, तो ये रहा ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म, मतलब कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एरर्स नहीं होंगे, लाइट के डिफेक्ट्स नहीं होंगे, इसे बोलते हैं एक्रोमैटिज्म। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, वो कहेगा जी कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म है, और वो ये बोलेगा कि एक लेंस के डिस्पर्सिव पावर ओमेगा वन है, दूसरे की ओमेगा टू है, एक की फोकल लेंथ एफ वन है और दूसरे की निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना। दूसरी चीज़ वो ये बोलेगा, अगर आप ये टर्म जीरो चाहते हैं तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव होनी ज़रूरी है, तो एक लेंस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव होना ज़रूरी है, तभी एक क्रोमैटिज्म होगा, दोनों कन्वेक्स लेंस तो कभी भी एक क्रोमैटिज्म की कंडीशन प्रूफ कर ही नहीं सकते, क्लियर है। तो ये आपने पॉइंट नोट करना है, और ये फॉर्मूला काम के, सच बताऊं तो और कुछ फॉर्मूला काम करनी है। नेक्स्ट है, वो कहता है चलो हमने एक्रोमैटिज्म कंडीशन फॉलो करनी है, हमने कन्वेक्स लिया कनकेव ले लिया, और कॉम्बिनेशन में जितना कन्वेक्स लिया उतना कनकेव ले लिया, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या जाएगी, जीरो, तो इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास, क्योंकि जितना कन्वेक्स लोगे उतना ही कनकेव लोगे, तो जितना पहला लेंस कन्वर्ज करेगा उतना दूसरा लेंस डाइवर्ज कर देगा, और प्लेन ग्लास की तरह आपका कॉम्बिनेशन एक्ट करेगा। तो इसलिए ओमेगा वन ओमेगा टू कभी जीरो होता नहीं। ये लाइन को अंडरलाइन करो, ये आपके कॉम्पिटिशन में आई हुई लाइन है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, जो ग्लासेस हैं वो ग्लास ना दो तरीके के हैं, प्रिज्म का ग्लास दो तरीके का होता है, ये लेंस दो तरीके ग्लास का बना होता है, पहला क्राउन ग्लास है और दूसरा फ्लिंट ग्लास है। वो सीधा स्टेटमेंट मार्क करने को कहेगा कि डिस्पर्सिव पावर किसकी ज़्यादा किसकी कम है, क्राउन ग्लास की कम है एज कम्पेयर टू क्या, फ्लिंट ग्लास, ये याद करना है, किस्म ऑफ मतलब टाइप ऑफ ग्लासेस है। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका क्रोमैटिक एबरेशन थी, कलर की प्रॉब्लम थी लेंस में। अब कई बार कलर की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार शेप की प्रॉब्लम है, जैसे मोनोक्रोमैटिक एबरेशन, मोनोक्रोमैटिक में सिंगल कलर लाइट है, कोई कलर का चक्कर नहीं है। मोनोक्रोमैटिक के अंदर क्या होता है, आप जब नॉन पेरेक्सियल रेज लेते हैं, लेंस बड़ा है, कुछ रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं और कुछ दूर हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं वो यहाँ मिल रही हैं और जो बहुत दूर हैं वो यहाँ मिल रही हैं। अब इसमें भी दो दो फोकल लेंथ आ जाती हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, एक लेंस में मल्टीपल फोकल लेंथ आना, ये क्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन है, ठीक। मतलब इसमें हमने जो पूरा ऑप्टिक्स किया वो पेरेक्सियल रेस के लिए किया है बस, हमने बाहर वाली रेस तो ली नहीं। तो फिर इसका क्या तरीका है, पहला तरीका यूजिंग स्टॉप्स, इसको कम कर दो, जैसे हमने किया, हमने ऑप्टिक्स में इसको कंसिडर ही नहीं किया, हमने कहा बस पेरेक्सियल ले लो, रे ले लो।
दूसरा तरीका, तुम नॉन पेरेक्सियल पे काम कर लो, पेरेक्सियल पे मत करो। तीसरा तरीका, यूजिंग टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कह रहे हैं कि इससे भी दो थिन लेंस लोगे, कुछ दूरी पे रखोगे तो भी इफेक्ट दूर हो जाता है। और मिरर्स के अंदर तो ये बहुत बढ़िया डिफेक्ट दूर हो सकता है, हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े, ये डिफेक्ट मिरर के अंदर भी है। इसको स्फेयर मत लो, इसको आप क्या लो, पैराबोला लो, पैराबोला से एक ही तरफ पे कन्वर्ज करने की कोशिश करो। तो इसकी कटिंग करके क्या कर सकते हैं, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना। इसमें ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट 5550। आप देखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, आप देखेंगे आने वाले टाइम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वो ज़्यादातर क्वेश्चन येलो लाइट पे जरूर पूछता है। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा होगा, येलो लाइट, सोडियम लैम्प, येलो लाइट, वो येलो लाइट क्योंकि आँख के साथ सेंसिटिव है, इसलिए ये वेवलेंथ काम आती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होती है, वैसे 110 लिखा हुआ है, 1/16 होना चाहिए, 1/16, तो 1/16 सेकेंड में अगर कोई इमेज हमारे यहाँ से गायब नहीं होती तो वो हमें परमानेंटली दिखती है। जैसे हम एक चीज़ को देखते हैं, आँख बंद कर लें, कुछ टाइम के लिए वो हमारी इमेज रहती है माइंड में, वो 1/16 या 1/10 सेकेंड है। तो तुम एक कार्डबोर्ड ले लो, यहाँ पिंजरा बना लो, चेक, यहाँ स्पैरो बना लो, और उसको तेज़ घुमाओ, तेज़ घुमाओ, बहुत तेज़ घुमाओ, तुम्हें लगेगा केज के अंदर स्पैरो है, क्योंकि ना तो केज तुम्हारे दिमाग से जा रहा है ना स्पैरो जा रही है, तो लगेगा दोनों के दोनों पड़े हुए हैं। और ये इल्यूजन है, क्योंकि ह्यूमन के जो आई की परसिस्टेंस है वो 1/10 या 1/16 के आसपास है, तो वो गायब नहीं होगी, वो वहीं छपी रहेगी। तो बस ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लेंस के, स्पेशली जो एक्रोमेटिज्म के ऊपर कंडीशन है। अगर आ जाए, वर्स्ट केस है, मतलब सच बताऊँ तो मैंने बहुत साल से आते देखे नहीं है, पर मैंने ऑब्जेक्टिव बुक्स में देखे हैं इसके क्वेश्चन, तो फंस सकते हो, इसलिए आप फंसने से अच्छा आप फॉर्मूला याद कर जाओ, ज़्यादा बेटर है। ठीक,